हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे, तो लोग फिर कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे कि कितना मार्क्स लेते आए तो हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो हालांकि ये वीडियो हमेशा एग्ज़ाम के बाद बनाता हूँ मैं, सभी लोग यही बनाते हैं एग्ज़ाम के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन इस बार मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में आपका टारगेट पता हो कि हाँ मैं इतना नंबर ले आऊँगा तो मेरा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले बना दे रहा हूँ, क्योंकि टारगेट पता होगा तो आप उतनी मेहनत उसके हिसाब से करोगे। तो मैंने 2016 से लेकर 2018 तक के कट ऑफ आपके सामने रखे हैं और इसके बारे में पूरी अच्छी तरह डिस्कस किया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा 2018 वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कट ऑफ जो आए थे आखिर तक मैंने उसको बताया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी फर्स्ट कट ऑफ और आपकी आखिरी कट ऑफ कितना तक वेरिएट करेगी, कितना गिरेगी। तो इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग 2016 का देखेंगे कट ऑफ। देखिए 2016 कट ऑफ आपके सामने ही है। देखिए आप थोड़ा मार्क्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस की जो मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग थी, इनकी वेरिएट करती रहती है अक्सर हर साल। तो अभी मैंने इस साल के लिए दो बताया है, क्या पता है लोग चार कर दें, इसीलिए मैं परसेंटेज देख के चलता हूँ। क्या परसेंटेज मैंने लिखते हुए चला ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर इन लोग मार्किंग स्कीम चेंज भी करें तो। तो जनरल की देखिए 250 गई थी 450 में से, और ओबीसी की 207 गई थी। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैंने देखिए लिख लिया है, मैथ बायो मैंने कंबाइंड बनाया है इसमें। तो मैथ की देखिए 200, ओबीसी की 207, एससी की 141 और एसटी की 51 परसेंटेज आप देख सकते हैं आपके सामने। मेरे जनरल के लिए 55.5, 46%, 31.3% एससी के लिए। ठीक, अब बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी जनरल की पहली कट ऑफ 250, ओबीसी की 202, एससी की 155, एसटी की ऑल कैंडिडेट। तो परसेंटेज में अभी देखिए वही 55.5% जनरल के लिए रहेगा बायोलॉजी के लिए, 44.8 ओबीसी के लिए, 34.4 एससी के लिए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं 2017 का। सॉरी, ये रहा आपके सामने 2017 का। अब इसमें आप देखेंगे मार्क्स आपको कम दिख रहे हैं, अगेन मार्किंग स्कीम चेंज कर दी इन लोगों ने, बिल्कुल इच्छाधारी नागिन की तरह आप देख सकते हैं। अब देखिए अब आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम का इन्होंने मार्किंग स्कीम 200 कर दी। ठीक, मतलब 200 नंबर में इन्होंने पेपर करा दिया। इसमें देखिए जनरल की 109 मार्क्स गया पहला कट ऑफ मैथ्स के लिए, ओबीसी के लिए 88, एससी के लिए ऑल कैंडिडेट, एसटी के लिए ऑल कैंडिडेट, और वो बायोलॉजी के लिए क्या गया, जनरल का 88, ओबीसी का 57, एससी का 48 और एसटी का ऑल कैंडिडेट। परसेंटेज आपके सामने मैंने लिख दिया है, जनरल के लिए 54%, ओबीसी के लिए 44%, मैथमेटिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए 44%, जनरल के लिए 28%, ओबीसी के लिए और एससी के लिए 24%। अब सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं लेने आ रहा हूँ 2018 का, जिसमें मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखिए अच्छे से पूरा कॉलम बना के किया है। सबसे ज़्यादा आपको भरोसा करना है तो इस पर करना है, उसका 2 साल पुराना हो गया और एग्जाम के ट्रेंड हमेशा पिछले वाले से ज़्यादा मैच करते हैं, क्वेश्चन के नहीं पैटर्न के और कट ऑफ के। ठीक, इसमें देखिए जनरल की पहली कट ऑफ आई थी 137 मैथमेटिक्स की, ओबीसी की 119.5, एससी की 93 और एसटी की 56, और उसी की सेकंड कट ऑफ आई थी 124, थोड़ी गिरी, फिर 118 गिरी, 114.5 फिर 106 गिरी, फिर एससी की 82.5 और एससी की 73 गिरी, 30 फिर एसटी की ऑल कैंडिडेट हो गई थर्ड कट ऑफ में। परसेंटेज मैंने आपके सामने लिख लिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो कि आपको कभी भी आप देख सको। और जनरल के लिए देखिए पहली कट ऑफ बायोलॉजी की 134 गई थी, दूसरी 108.7, एससी की 87.5 पहली कट ऑफ, एसटी की 46.5, सेकंड कट ऑफ 117 जनरल के लिए, 101 ओबीसी के लिए, 82 एससी के लिए और ऑल कैंडिडेट एसटी। थर्ड कट ऑफ फिर गिरी, ये एक एक हफ्ते के बाद आती रहती है ये, और फिर आपकी 99 गई थर्ड कट ऑफ, 90.5 ओबीसी के लिए गई सेकंड थर्ड कट ऑफ, एससी के लिए 63। तो आपके सामने मैंने परसेंटेज पूरा लिख दिया है, तो ये ओवरऑल पूरा था, आपको अंदाजा लग जाए। आप देखिए एक्सपेक्टेड इस बार कट ऑफ क्या होगी, इस बार माइनस मार्किंग नहीं है तो बच्चे पूरा तुक्का लगाएंगे, जय माता दी करके पूरा तुक्का लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका इंक्रीज होगा। तो आपके देखिए मैं बता दूं आपकी कट ऑफ कुछ यही होगी, आप जनरल वालों के लिए मैं कहूँगा मैथमेटिक्स के लिए और बायोलॉजी दोनों के लिए
आप 160 या 170 के आसपास लाइए ताकि आपको पहले में हो जाए, मे बी 180 भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते इसमें, बिल्कुल कह ही नहीं सकते आप माइनस मार्किंग ना हो तो किसका क्या होगा। पढ़ाई तो पढ़ाई काम आती है, तुक्का भी काम आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बिल्कुल सुविधा के हिसाब से एक स्टूडेंट की तरह सोचते हुए कि क्या ज़रूरत है मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप पसंद आई है, तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वही मैं समझ पाता हूँ देख के कौन सी वीडियो आपको पसंद आई है। तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैं तीसरी बार बोल दे रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।